I was, you know, I was taken aback. I was happy, surprised. And then I said, okay, chalo karte hain, kood jaate hain isme. I've seen a lot of ups and downs. I've met all kinds of people. Yeah. People who have, you know, been fair, unfair, honest, dishonest. Done a lot for me also, gained a lot from them also. Have cheated me also. So all these things have happened. Some people who hate me, that's okay, that's part of life. Yeah. It happens in everything, whatever you do. You know, that's life. Yeah. You can't just keep on playing safe, you know. In anything, you know, there are times when the biggest people who have been hated and trolled and become, you know, they have ruled the country. कि यार किसी ने आपकी बुराई की, आपने ट्रोल किया, वो तो दबाने की कोशिश करेंगे, पर आपको दबना थोड़ी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए. You know, आप स्लमडॉग मिलियनेयर कर रहे हैं, उसमें आप होस्ट का रोल कर रहे हैं, ना आपको होस्ट की समझ है, कैसे करेंगे आप, you know, but then आप मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, एंड देन यू नो यू हैव अ ग्रेट टीम, यू गुड टीम टू लुक आफ्टर यू, थिंग्स गो राइट. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे लगता है कि फिल्म के लिए, और मेरी हमेशा हर चीज़ के लिए यही है कि मैं फिल्म जो पहली नो एंट्री थी उससे भी ज़्यादा कामयाब नो एंट्री का सीक्वल हो. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the OG star, the energy bar. ऐसे सितारे जिन्होंने इतना काम किया है कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त हैं अनिल कपूर. अनिल जी, वेलकम टू E-Times टीवी. थैंक यू वेरी मच. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस और बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए, और सब लोग इस सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. और जब फर्स्ट प्रोमो आउट हुआ हम सब खुश हुए, क्योंकि जिस तरीके से आपने एंट्री ली है कुर्सी ला रहे, वो देखकर इतना मजा आया है. अगर वो शायद सिनेमा में दिखाया जाता तो हम सब सीटियां. इसलिए आज हमने आपको यहाँ दिखाया. बिल्कुल, वो सिनेमा का इफेक्ट था. जी बिल्कुल. आपको कितना मजा आ रहा है ये सीजन का प्रोमो शूट करके, या जिस तरीके से रिएक्शंस मिल रहे हैं? अभी तक तो जबरदस्त जा रहा है. प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत जबरदस्त गई. जी. एंड जिससे भी मेरी बात हो रही है, दे वेरी हैप्पी विद इट. एंड प्रोमो शूट करते हुए, फोटो शूट करते हुए, सब पूरी टीम से मुलाकात में कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ. So I'm looking forward to it, and you know, let's see. So far, so good. Yeah, Big Boss OTT या Big Boss एक अपने आप में एक ऐसा शो है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें होती है. There's lot of talk on social media, specially. जैसे ही first promo out होता है या एक speculation होता है कि ये season आने वाला है. Do you go through that, या आपकी team आपको brief करती है कि social media पे you know ये सब बातें हो रही हैं, कि promo discuss हो रहा है, Anil ji will be hosting this season? आप इंटरेस्ट लेते हैं वो जानने में? नहीं, नहीं, मैं नहीं लेता. नहीं. मैं अपना काम करता रहता हूँ. एंड ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है, आई एम अवेयर, आंखें और कान खुले रहते हैं, मगर इतना भी नहीं कि मेरे काम को इफेक्ट करे. जी. जब ये पहली बार आपको ऑफर आया या आपके बारे में सोचा गया और आप तक ये प्रपोजल लेके आया गया दैट यू विल बी होस्टिंग द शो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? आई वाज, यू नो, आई वाज टेकन अबैक, आई वाज हैप्पी, सरप्राइज्ड. And then I said, okay, चलो करते हैं, कूद जाते हैं इसमें. And what was the one thing that you know prompted you or attracted you towards the show? Well, it's a hugely successful show. It's a, you know, it's going on since so many decades, more than a decade and a half. And there are certain formats which you know are you know you should feel fortunate that you people are wanting you on that, and you should go all out and do it. And one of them is Big Boss. I was very excited, very happy. That's what it is. Yeah. आपने स्टेज पर अभी कहा था कि you know आपने अपनी वाइफ से इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि हर किसी के लाइफ में वाइफ जो है वो होम मेकर होती है, बिग बॉस होती है. I just said, you know, it's not the question of that. It's like, you know, like jokingly she also said के you know आपके लिए तो you've seen me and you know who can be better. But inspiration is my mother. And my wife also, both of them, you know, how they have handled the situations firmly, fairly, and you learn so much and from them, and of course my life also. I've seen a lot of ups and downs. I've met all kinds of people who have you know been fair, unfair, honest, dishonest, done a lot for me also, gained a lot from them also.
have cheated me also. So all these things have happened. Yeah, and that experience, are you going to bring that in hosting the show? Because I hope I can. I can. Yeah, because dig into it. बहुत सारे अलग-अलग जगहों से लोग आएंगे. वो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा attraction यही है show करने का. कि मुझे मौका मिलता है अपने दायरे से बाहर कुछ लोगों को मिलने का, समझने का, उनके जहन में घुसने का और उनको समझने का कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं. जी. तो वो सब चीज़ें मेरा आई फील इट विल रियली एक्सपैंड माय इंटायर व्हाटएवर आई हैव एब्जॉर्ब्ड इन माय एंटायर करियर एंड माय लाइफ फ्रॉम द टाइम आई केम इनटू माय सेंसेस. दिस विल बी अनदर थिंग विच आई वुड लव टू certain things I learn and certain things I would like to unlearn. Yeah. Also, जैसे मैंने कहा कि बिग बॉस अपने आप में एक अलग वर्ल्ड है. जब शो शुरू होता है कंटेस्टेंट्स के साथ, जब इंटरेक्शन होते हैं होस्ट की, काफ़ी सारी बातें होती हैं और वो बातें ट्रोलिंग तक पहुँच जाती हैं, क्योंकि कभी किसी का फैन क्लब होता है जो पसंद नहीं करता कि स्टार ने हमारे हमारे कंटेस्टेंट को कैसे ये बोल दिया. Have you followed the previous seasons और क्या आपको पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं? एंड हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल, बिकॉज फिल्मों में तो आपने सबको पीछे छोड़ा हुआ है, बट ये होस्टिंग में पहली बार आप कदम रख रहे हैं जो इस तरीके का वर्ल्ड होगा. सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट एंड आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? आई एम प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट यू नेवर प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन. यू जस्ट होप फॉर द बेस्ट. Yeah. And that's what I feel. I'll hope for the best and do my best. Yeah. But how are you going to deal with the social media negativity that will come your way sometimes? क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को आप अपने point of view से पसंद नहीं करेंगे and you'll call out them. I have to be fair and firm. Yeah, that's what it is. And I have to use my mind and I have to be true to myself. Some people will love me, some people will hate me. That's okay. That's part of life. Yeah. It happens in everything. Whatever you do, you know, that's life. Yeah. You can't just keep on playing safe. You know. In anything, you know, there are times when the biggest people who have been hated and trolled and become, you know, they have ruled the country. Yeah. You know, and ruled the world. True. You know, so, you know, it's okay. Yeah. And that doesn't mean that you just don't keep on, you don't try something, you know. Ki yaar kisi ne aapki burai ki, aapne troll kiya, वो तो दबाने की कोशिश करेंगे, बट आपको दबना थोड़ी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए. जी जी. Yeah. फिर प्रीवियस सीजन से बहुत सारे होस्ट रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय से सलमान हैज़ बिन होस्टिंग द सीज़न. इसके पहले करण जौहर ने भी होस्ट किया है. जब भी कोई प्रोजेक्ट ऐसे बनता है जो इतने सालों तक होता है, कंपेरिजन्स हमेशा ड्रॉ होते हैं. चाहे कितने भी बड़े स्टार या वर्सेटाइल एक्टर क्यों ना आए, यहाँ पर भी कंपेरिजन ज़रूर होंगे. आई एम श्योर कि अब 40 साल काम करने के बाद कंपेरिजन्स विल नेवर अफेक्ट यू, बट हाउ डू यू लुक एट इट व्हेन कंपेरिजन्स आर ड्रॉन? आई हैव सीन इट सो मेनी, सो यू नो, नेशनली इंटरनेशनली आई हैव सीन इट. सो ये तो नेशनल है, मैंने यू नो इंटरनेशनली ये सब चीज़ें देखी हैं, वेयर आई हैव बीन कंपेयर्ड विद द पीपल सेट कि ये कैसे करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा. लोग उसने किया है, वो इतना सक्सेसफुल, ग्लोबली इतना सक्सेसफुल शोर है, पूरी दुनिया इनकी इज्जत करती हैं. जी. यू नो, आपने आप स्लमडॉग मिलियनेयर कर रहे हैं, उसमें आप होस्ट का रोल कर रहे हैं, ना आपको होस्ट की समझ है, ना कैसे करेंगे आप, यू नो, यू नो. बट देन आप मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, एंड देन यू नो यू हैव अ ग्रेट टीम, यू गुड टीम टू लुक आफ्टर यू. थिंग्स गो राइट एंड समटाइम थिंग्स गो रॉन्ग ऑल्सो. बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है, बट विद देम ऑल्सो थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग. सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं. You move ahead. Yeah. And you know, and इसके बाद शायद मैं इससे बड़ा भी रिस्क लूँ कभी किसी चीज़ में. Yeah. You know. आपकी और सलमान की बहुत पुरानी दोस्ती. I don't take it. I take it in a positive way. Yeah. I feel it's something new which I have never done, so it makes me, you know, wanting to do it even more. Yeah. आपके और सलमान की दोस्ती बहुत रही है और वो आप गेस्ट हमेशा शो पर आए हैं और आप लोगों ने हमेशा धमाल मचाया है. इस बार जब उनको पता चला, उनका रिएक्शन क्या था कि आप यू नो शो होस्ट करने वाले हैं? हमारी बातचीत तो होती रही थी, बट मेरी बात हुई अभी रिसेंटली है, बट बहुत बहुत खुश थे वो. कुछ बात हुई कि यू नो अब मैं सब चीजें तो आपको बताऊंगा नहीं क्या बात है, थोड़ा बहुत अगर आप. ही वाज हैप्पी एंड ही सेड के यू नो ऐसा भी होगा कि यू नो सबको सही कर देना और बी फेयर एंड यू नो फर्म, एंड ये भी बोलना कि जरूरत पड़ी तो मैं भी हूँ साथ में तेरे.
बिल्कुल सर, सलमान की का जिक्र निकला है तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपको और उनको साथ में देखेंगे नो एंट्री के सीक्वल में, बट अब वो हो नहीं रहा है हमारे लिए, तो हमारा तो दिल टूटा है बिकॉज हम आप दोनों को साथ में देखना चाहते थे और हमारे लिए वो फिल्म बहुत बहुत ही यादगार है. आपको जब पता चला कि कोई और कर रहे हैं एक्टर्स ने सेट ऑफ एक्टर्स, व्हाट वाज योर रिएक्शन? देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे लगता है कि फिल्म के लिए, और मेरी हमेशा हर चीज़ के लिए यही है कि मैं फिल्म जो पहली नो एंट्री थी उससे भी ज़्यादा कामयाब नो एंट्री का सीक्वल हो. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं तो चाहूँगा कि जितने भी कलाकार हैं उस फिल्म में हैं और जो फिल्म बना रहे हैं और कि उनको बहुत कामयाबी मिले और वो खुश हों. और मैं ऐसे बहुत सी सारी फिल्में करती रहूँ जिसके सीक्वल्स बने, और मेरे बहुत सारे ऐसे सीक्वल्स हैं, और फ्यूचर में भी मैं अभी भी काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ, और 10 साल 15 साल 20 साल के बाद वो बोलेंगे अनिल ने वो फिल्म की थी अब ये कर रहा है. सो दैट विल मेक मी हैप्पी एंड मेक मी वेरी प्राउड कि ऐसी फिल्में मैंने की हैं जो लोग फिर दोबारा बनाना चाहते हैं, उसका सीक्वल बनाना चाहते. सो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. लास्टली बिफोर रैपिंग अप, टू क्वेश्चंस. एक ये कि क्या आपने प्रीवियस सीजन्स देखे हैं, और आपका कौन सा किसकी जर्नी, किस कंटेस्टेंट की जर्नी आपको अच्छी लगी? बहुत सारे, यू नो, खाली ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीते उनकी मेरे को जर्नी अच्छी लगी. कुछ ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको जीत नहीं हासिल हुई, उनका भी मुझे उनकी भी छवि मेरे पर अब तक मेरे दिमाग में, काफ़ी लोग हैं ऐसे. कोई एक नाम अगर आप ले सके तो? नाम जैसे कि नाम तो बहुत सारे हैं, यू नो, एंड मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, तो बोले यार इस अनिल ने उसका ही नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया. सो आई वांट टू बी के देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर वंडरफुल एंड हैट्स ऑफ टू देम दैट दे टुक पार्ट इन बिग बॉस, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी टू बी पार्ट एंड स्टे इन द बिग बॉस हाउस एंड बी अ पार्टिसिपेंट. हैट्स ऑफ टू देम, आई गिव देम hats off to them, you know. Yeah. Lastly, जब बिग बॉस की बात करते हैं तो हमेशा दो तीन चीज़ें ध्यान में आता है, एक तो लड़ाई झगड़े, कॉन्ट्रोवर्सी, और तीसरा लव अफेयर. ठीक है, अगर आप शायद आपने कहा कि अगर 30 साल पहले शो बनता तो मैं जाता, अगर आप जाते तो ये तीन चीज़ में से आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के लिए आप आपकी वजह से शो यादगार रहता है, लड़ाई झगड़े, कॉन्ट्रोवर्सी या लव अफेयर? तीनों. और आप नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, इसीलिए जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुआ कि हमेशा लोग आपको इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपको आपके काम की वजह से याद किया जाता है, और आप जिस तरीके के इंसान हैं. ये भी तो काम ही है ना मेरा. जी, कुछ कामों में कॉन्ट्रोवर्सी होती है, ये भी मैं काम की तरह ही कर रहा हूँ इसको, ये काम है. तो कुछ काम फिल्में होती हैं जिसमें कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, आप चाहते हैं ना चाहते फिर भी हो जाती है, उसका मतलब वो शायद वो कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से इतनी कामयाब हो जाती हैं. बिल्कुल, यू नो. और आज जितने भी लोग जिन्होंने ये शो किए हैं, पार्टिसिपेंट्स, होस्ट, वो इतने इनको यू नो कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो. बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सही बात. अगर वो घबराते कि कॉन्ट्रोवर्सी है ये नहीं करता, तो शायद दे वुड हैव मिस्ड आउट सच, यू नो, नॉट टू बी पार्ट ऑफ दी शोज. Anything that you'll be, that you want to tell your fans who will be watching Big Boss? I just OTT want season. Everybody to, you know, watch Big Boss season 3 on OTT on Jio Cinema. Thank you so much, sir, and all the best for this new innings. Thank you very much. एक नए उभरते सितारे आ रहे हैं, जवान. डेब्यू कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उतना ही प्यार मिलेगा जितना फिल्मों में मिलता है. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.